है ना दोस्तों, क्या आप भी ऐसे ही इंसान हैं जो एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत से ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने 12th में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे थे तब पढ़ाई छोड़ दी थी। एजुकेशन किसी भी आदमी की बुनियादी आवश्यकता है, इसके बिना व्यक्ति का विकास नहीं होता। शिक्षा हमारे लिए सफलता का मार्ग आसान कर देती है, लेकिन हायर एजुकेशन सफलता की आवश्यकता शर्त नहीं है। आप बॉलीवुड के बहुत से ऐसे स्टार्स को जानने जिन्होंने 12th तक या फिर ग्रेजुएशन में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और बॉलीवुड में अपना करियर बनाया है और बहुत सफल हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, राखी सावंत। इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, जैसा कि इनको कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कॉलेज तक की है, और हालांकि राखी सावंत ने मुंबई में हायर एजुकेशन प्राप्त की है और उसके बाद लोकसभा सीट के लिए भी चुनाव लड़ी है, लेकिन उन्होंने उसमें अपनी एजुकेशन अनपढ़ बताई है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है ये तो वही जाने, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, आजकल जो यंग बॉलीवुड स्टार्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो अब हम बात करने वाले हैं आज के समय में उभरता हुआ सितारा अनन्या पांडे। इनके फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अनन्या पांडे भी सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ी है। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान एक्टिंग के करियर में लगा दिया है। नंबर 3, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनावत किसी फाइटर से कम नहीं है। उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने से पहले भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। कहना गलत नहीं होगा कि उनकी असल ज़िंदगी भी किसी फिल्म में से कम नहीं थी। अभी भी उनकी लाइफ में कभी कभी कॉन्ट्रोवर्सी स्थिति बनी रहती है। एक्ट्रेस कंगना रनावत की एजुकेशन का स्टेटस जानकर आप चौंक जाएंगे। इनकी पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV स्कूल से हुई थी और 16 साल की उम्र में 12वीं पूरी होते ही वे अपने घर से भाग गई थी। उन्होंने मॉडल बनने का इरादा ठान लिया था और इसी के लिए चंडीगढ़ से भागकर दिल्ली आ गई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कंगना रनावत की मातृभाषा हिंदी थी। उनका फिल्मी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, हालांकि अब कंगना रनावत फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेती है। नंबर 2, सोनम कपूर ने बीच में ही अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी थी। मुंबई के आर्य विद्या मंदिर से 12वीं तक की पढ़ने के बाद सोनम कपूर ने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन तो लिया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत कर ली। एक इंटरव्यू में सोनम कपूर ने कहा था कि मैंने 12वीं की पढ़ाई के बीच में ही छोड़ दी, अभिनेत्री बन गई, क्योंकि मैं 4 साल इंतज़ार नहीं कर सकती। दोस्तों, इनका हौसला बुलंद है, तभी ये आज फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस बन चुकी हैं। नंबर 1 में एक बहुत ही यंगेस्ट फिल्म स्टार आती हैं, जिनका नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने डेब्यू करते ही पढ़ाई छोड़ दी थी। हिट फिल्मों में नज़र आने वाली आलिया भट्ट ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट ने स्कूल के बाद ही फिल्मी करियर शुरू कर दी। लगातार ऑफर्स मिलने के कारण उन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। दूसरे वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और हाँ, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।